हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं अगले कुछ घंटों में। ओके, तो उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या उनकी एनर्जी रहेगी अगले कुछ घंटों में, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे इस रीडिंग में, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए अगले कुछ घंटों में। स्टे पॉजिटिव स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम, सो आई हैव टू शफल अगेन। ओके ओके समथिंग, ओके आई थिंक दिस कार्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट। ओके नाइस। तो अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या होंगी, या रोमांटिक नहीं है तो क्या फीलिंग्स हैं। तो देखिए व्यूवर्स, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ जो नज़र आ रही है अगले कुछ घंटों में, वो ये है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स बहुत ज़्यादा अगले कुछ घंटों में ये इस बारे में सोचने वाले हैं, ये इस बारे में सोचने वाले हैं कि ये आपके साथ कनेक्ट कैसे करें, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं अपना, यानी आपके साथ अपनी बातचीत बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ अपना बॉन्ड जो है, रिश्ता जो है, जैसा भी कनेक्शन है, उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ज़्यादा डीप करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे सोशल मीडिया पर ही आपके साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो अगले कुछ घंटों में ये सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा रिएक्ट रिस्पॉन्स या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान आकर्षित हो। कोई नया पोस्ट वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, कोई नया स्टेटस, कुछ भी ऐसा जिससे आपका अटेंशन वो ग्रैब कर सके। मुझे लगता है ये इंसान अगले कुछ घंटे में आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करने वाला है। बात करना चाहते हैं अगले कुछ घंटों में ये आपसे, और सोशल मीडिया पे, ऐसे कॉल करके नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या कोई तो ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी। आई कैन सी नंबर 10 हेयर, तो आपकी इनसे बात हो रही है नहीं हो रही है, जो भी आप लोगों का सिचुएशन चल रहा है करेंटली, स्टिल दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विद यू। ये इंसान फिर भी आपके साथ एक रिश्ता बनाना ही चाहता है या चाहती है, और अगले कुछ घंटों में इसी इंटेंशन से, इसी थॉट के साथ कि आपके साथ उनको यूनियन चाहिए या आपके साथ उनको कोई रिश्ता मेंटेन करना है, इस इंटेंशन के साथ ही कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर अगले कुछ घंटों में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट डे करें, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर पॉसिबल है सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए, या आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर रही है। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स के अगले कुछ घंटे में ये इस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी के इंसान हो, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या बहुत एडमायर कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा इफ़ नॉट सॉफ्ट यू आर लाइक अ चाइल्ड लाइक पर्सन। ओके, मतलब आप हैं जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपका एज है, जो भी आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टिल उनको आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप में बच्चों जैसी मासूमियत है। हो सकता है जब वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको स्टॉक कर रहे हैं अगर अगले कुछ घंटों में, तो जब भी वो आपका चेहरा देख रहे हैं, आपकी तस्वीर देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कितने मासूम दिखते हो आप। शायद वो ऐसा भी कहते हो कि शक्ल इतनी मासूम है कि कोई देख कर बता ही नहीं सकता कि आप इतने शैतान हो या नॉटी हो, या कहीं ना कहीं थोड़े बहुत यू नो बहुत डिफरेंट नेचर के हो, कोई नहीं कह सकता, लेकिन आपका चेहरा इतना मासूम है
इतना इनोसेंस है आपके फेस पर, तो हो सकता है उन्हें आपका चेहरा बहुत इनोसेंट लगता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो अगले कुछ घंटों में ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इनोसेंट और सिंपल है। यानी कि छल कपट और चीटिंग मैनिपुलेशन ये सब तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है, ऐसा लगता है उनको, ये सब तो आपके थॉट्स हैं ही नहीं। तो अगर कोई इनसे कहेगा भी ना कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है, किसी को चीट कर दिया है, किसी को मैनिपुलेट किया है, तो वो मानेंगे ही नहीं, विश्वास ही नहीं कर पाएंगे पहली बार में कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सच में इस बात पर बिलीव कर रहे हैं या ऐसा उनका मानना है, या फिर सच में आप ऐसे हो सकते हैं कि आप कि वो आपको बहुत भोला समझते हैं, बहुत सीधा समझते हैं, और उनको आपसे हमेशा एक बच्चों वाली वाइब आती है। जैसे जिस प्रकार से बच्चे भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ऐसे उनको लगता है आप भी हैं। यस यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि जैसे अगले कुछ घंटे में ये इंसान बहुत डीपली आपके बारे में सोच सकते हैं, और इतना डीपली और इतना स्ट्रांगली आपके बारे में सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आपको वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी फील हो कि जैसे कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कोई, जैसे आप किसी की तरफ एक पुल महसूस कर रहे हो, जैसे किसी की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हो, कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स है, इनविजिबल एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ज़रूर ऐसा पॉसिबल है कि जितने इंटेंसिटी के साथ या जितने फोकस के साथ ही आपके बारे में सोच रहे हैं अगले कुछ घंटों में, आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपको इनकी बहुत अचानक से इनकी याद आए, या इनसे बात करने का मन करे, अचानक से आपको इनका सोशल मीडिया देखने का मन करे, अचानक से आप इनकी फ़ोटो देखने बैठ जाएं, या कुछ गाना सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो अचानक आप इनके बारे में सोचने लगें। तो वो इतना डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं व्यूअर्स अगले कुछ घंटों में कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप उन्हें काफ़ी प्लेफुल भी लगते हो, ऐसा नहीं है कि क्या आप भोले भाले हो तो चुपचाप बैठे रहते हो, नहीं, काफ़ी प्लेफुल हो, जैसे बच्चे होते हैं, प्लेफुल होते हैं, सीधे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, लेकिन प्लेफुल होते हैं। तो आपके अंदर भी वो वाइब्रेंट एनर्जी है और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, तो हो सकता है अगले कुछ घंटों में आप इनकी तरफ एक अट्रैक्शन या एक पुल फील कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि ये इंसान अगले कुछ घंटे में ऐसा भी सोच रहा है कि सिचुएशन में चेंज आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन शायद इनके फेवर में नहीं है। ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो थोड़ा चेंज हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब तक जो साइकिल चल रही थी, अब तक जो फेस था, जस्ट अ सेकेंड व्यूअर्स, अब तक जो साइकिल चल रही थी, अब तक जो फेस था इनकी लाइफ का, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं रहा है। शायद इनका कोई रिलेशनशिप रहा था, या इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, या इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इनके साथ स्ट्रिक्ट हो रही थी, काफ़ी प्रेशराइज कर रही थी, या इनका पास्ट कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, बिट्रे किया गया है, या कोई लॉस हुआ है, तो कुछ तो ऐसा बैड एक्सपीरियंस इनको पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से ये अपने पास्ट को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं, पास्ट एक्सपीरियंस को तो रखना चाहते हैं साथ, लेकिन फिर भी वो जो बुरी मेमोरी है या जो पास्ट में इनके साथ हुआ है, वो सब दुख या टेंशन जो भी है उसे रिलीज़ कर देना चाहते हैं, उसे लेट गो कर देना चाहते हैं। तो ये अगले कुछ घंटे में सोच रहे हैं कि अब उनको लाइफ में आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, और आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग उनको चाहिए, यानी कि आगे वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने दर्द, तकलीफ़ या स्ट्रगल्स या लॉसेस जो भी उनकी लाइफ में हुआ, बिट्रेयल्स हुए, जो भी बैड एक्सपीरियंस हुआ, उसको लेट गो करके वो आपकी तरफ आगे बढ़े और चेंज आए, तो एक बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। यस, तो अगले कुछ घंटों में ऐसा भी सोच रहे हैं ये
कि पास्ट को ये लेट गो करने के लिए तैयार है अपने, क्योंकि इनको चेंज चाहिए। और वो चेंज क्या है कि उन्हें आपके साथ कनेक्ट कर पाना है, उन्हें आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। मुझे लगता है व्यूअर्स के अगले कुछ घंटों में ये हो सकता है थोड़े बिजी भी हों, काफ़ी सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ऑफिस में है या किसी और वर्क प्लेस पर है या कहीं और बिजी हैं, जहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी संभाल लूँ, इनके बारे में भी सोच लूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग कर रहा है ये इंसान अगले कुछ घंटों में। आई नीड वन कार्ड। या बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, प्रेशर भी फील कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रेशर या एक साथ बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने का प्रेशर भी फील कर रहे हैं ऐसा लगता है। यस, इसीलिए ये सिचुएशन में ना व्यूअर्स चेंज भी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो साइकिल है ये पूरा एक बार घूम चुका है, तो ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग हो और ये अपने पास्ट को लेट गो करें। यस, दे आर वेरी मच अवेयर कि इनको आपके साथ ही कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बनाना है, एंड आई थिंक दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर दैट। क्यों नहीं, क्यों पता नहीं मुझे बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल हो रहा है यहाँ पर, जबकि मैं इतना बोलती नहीं हूँ इस शब्द को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये थोड़े बिजी हो सकते हैं, जबकि इनका दिल दिमाग आप में लगा हुआ हो सकता है, लेकिन स्टिल ये फिजिकली काफ़ी सारी एक्टिविटी कर रहे हो सकते हैं और उस वजह से थोड़ा प्रेशराइज्ड भी फील कर रहे हो सकते हैं, इफ नॉट प्रेशर थोड़ा वर्कलोड फील कर रहे हो सकते हैं या हो सकती हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं व्यूअर्स। ओके, कार्ड टेबल के बाहर पॉप आउट हुआ है एंड दिस इज सेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं मुझे व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग कर पाए, इस बात के लिए एक्साइटेड है, खुश है इस बात के लिए कि अपने पास्ट को रिलीज करके, लेट गो करके वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे या करना चाहते हैं, तो इस बात के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे ये इंसान। यस, हो सकता है आप में से किसी का जन्मदिन आने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट डे आने वाला है, कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा आने वाला है, तो वो आपको उसके साथ फंक्शन को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो कोई अगर ऐसा स्पेशल डे आने वाला है आपके लिए या उनके लिए, तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एंजॉय करें, आपके साथ सेलिब्रेट करें। जन्मदिन हो सकता है या किसी और तरह की पार्टी या कोई फंक्शन भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेट्स सी एनर्जीज इन नेक्स्ट व्यूअर्स। वेल, वी हैव अनदर कार्ड। मुझे लगता है व्यूअर्स अटैक, ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद माय वर्ड्स। लगता है कि जैसे अटेंशन ग्रैब करने की पूरी कोशिश होगी, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश होगी। ये चाहते हैं कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे आपके लिए, क्योंकि आप इनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा ये इंसान ऐसा लगता है। अब इस डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं अगले कुछ घंटों के लिए। ओके, फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स, हिज और हर एनर्जी इज इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, हिज और हर फीलिंग्स इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। Okay, here we have the first card. Not enough chemistry and attraction to keep this relationship going. तो उनको लगता है viewers कि अभी आप लोगों के बीच या आप दोनों के बीच इतनी strong chemistry या इतना strong connection अभी नहीं बना है कि रिश्ता long term चले, तो वो आपके साथ इतना strong connection बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपना bond बहुत deep करना चाहते हैं, बहुत strong करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जितना आप लोगों के बीच exchange है उतना काफ़ी नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए, यूनियन की तरफ ले जाने के लिए इतना सिर्फ एक्सचेंज काफ़ी नहीं है, इस रिश्ते को और ज़्यादा डीप होना पड़ेगा, इस रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। पैशन व्यूअर्स, अगले कुछ घंटों में ये काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। यू कैन सी द मैसेज है, पैशन का कार्ड है, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये हग कर रहे हैं, और इनकी तो ऑलमोस्ट आंखें बंद हैं और ये यहाँ पर हग कर रहे हैं। मैसेज है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो कहीं ना कहीं इतना पैशनेट फील कर रहे हैं कि पहली बात तो वो आपको हग करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली वो चाहते हैं कि उनका दिल वो उस मोमेंट को एंजॉय करें, उस केमिस्ट्री को एंजॉय करें,
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे खुद को रोके ना, वो वैसा फील कर रहे हैं अगले कुछ घंटे में कि वो खुद को रोके ना, कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना करें खुद को, आपकी तरफ जाएं, इतना पैशनेट फील कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें। तो अगले कुछ घंटों में ये इंसान आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चाहते हैं कि खुद के पैशन को, उस अट्रैक्शन को, उस मैग्नेटिक पुल को जो आपकी तरफ इनको महसूस होता है, उसे रोके ना या कंट्रोल ना करें, यानी कि अपने पैशन को। चलिए एक कार्ड और लेते हैं इसी डेक से, लेट्स सी वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक ओनली। ओके एक्चुअली आई नीड वन कार्ड, नो कंट्रोल इश्यूज। मैंने पहले ही कहा था यहाँ मैसेज अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, मैंने कहा था यहाँ पर कि ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, पर ये चाहते नहीं हैं कि ये अपने आप को कंट्रोल करें या जो पैशन इनको फील हो रहा है, जो अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है, उसे कंट्रोल करें। दे डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल इट, पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मैसेज भी है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली बिकॉज देर आर कंट्रोल इशूज, मैसेज है यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहते हैं, उनका अंतर्मन, उनका दिल ये चाहता है कि कोई कंट्रोल ना रहे, वो जो फील कर रहे हैं वो उसे एक्सप्रेस कर पाएँ, वो जो फील कर रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस कर पाएँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो अपने पैशन को, अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल करके ही रखते हैं। या ये काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं लेकिन कंट्रोल करते हैं, काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, इसीलिए अट्रैक्ट भी ज़्यादा होते हैं आपकी तरफ, एक खिंचाव महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं आपका रिश्ता और गहरा होना चाहिए क्योंकि आपके रिश्ते में उतनी केमिस्ट्री या उतना भी डीप लव या डीप कनेक्शन नहीं हो पाया है कि वो सर्वाइव करे लॉन्ग टर्म। तो वो चाहते हैं कि वो अपने पास्ट को भुला दें, आगे आपके साथ बढ़ें, और उसके लिए वो एक्साइटेड भी है। तो ये उनकी एनर्जीज हैं व्यूअर्स अगले कुछ घंटों में। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि ये रीडिंग कितने परसेंट आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है, रिलेट करती है कितने परसेंट, और कौन सा पार्ट आपकी लाइफ से रेजोनेट करता है, मैच करता है। ओके और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।